वेलकम फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नए प्रश्न और उत्तर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस बार का प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और कोरा के स्पेस पे पूछा गया है, तो आप स्क्रीन पे इसे देख सकते हैं। व्हाट हैपेंस इफ यू मेडिटेट ऑन द रूट चक्र एंड ऑल अदर चक्रास आर ब्लॉक्ड। यदि आप मूल चक्र का ध्यान करते हैं और आपके सारे चक्र जो है मूल धारा के चक्र को छोड़ के सारे चक्र आपके अवरुद्ध हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं? कृपया इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को मैं दो भागों में बांटता हूं। पहला भाग तो यह है कि किसी व्यक्ति के शरीर में केवल एक चक्र ही एक्टिव हो और बाकी के छह चक्र जो है वो इनएक्टिव है, अवरुद्ध है, ब्लॉक्ड है, जैसा भी शब्दावली का आप इस्तेमाल कर ले। और दूसरा ये प्रश्न है, यदि वह व्यक्ति के सारे चक्र अवरुद्ध हैं क्योंकि जैसा दिख रहा ब्लॉक्ड, क्योंकि वो मूल धारा चक्र पे ध्यान करता है, तो इसे दो भाग पे बांटते हैं क्योंकि प्रश्न ही कुछ इस तरह का है, तो उस हिसाब से उसका जवाब मुझे देना होगा। तो पहला तो ये है कि जिस महानुभव को सातों चक्रों का ज्ञान है, यानी सातों चक्रों के बारे में जानकारी है, तभी तो उन्हें मालूम चला ना कि बाकी के छह चक्र ब्लॉकेड हैं, तो वो काफी एडवांस स्टेज में होंगे। जिनको सातों चक्रों की अनुभूति होगी वे काफी एडवांस स्टेज में होंगे। पहला तो ये हो गया, यानी बिगिनर्स के साथ में तो संभवता यह हो ही नहीं सकता। कोई एडवांस स्टेज में हो, बहुत गहरे ध्यान में रखता हो, तो उसके साथ में ये घटना, ये हाइपोथेटिकेटेड घटना घट सकती है। अब दूसरा ये है कि चक्रों का विज्ञान, मैंने अपने पुराने वीडियो में चक्रों के विज्ञान को कई एपिसोड में बताया है। चक्रों के विज्ञान को केवल शारीरिक स्थूल शरीर के नजर से नहीं देखना चाहिए। चक्र के ब्लॉकेज होने से ना केवल स्थूल शरीर बल्कि सूक्ष्म और कारक शरीर पर भी असर पड़ते हैं, और जो शरीर के सात परत होते हैं और पांच कोशा होते हैं, इन पे भी इनका असर पड़ता है। अब जिस तरह से चक्र ब्लॉकेड होते हैं या अवरुद्ध होते हैं या चक्र ठीक गति से काम नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से उनका असर सूक्ष्म शरीर पे, कारक शरीर पे और शारीरिक शरीर पे पड़ सकता है। शारीरिक शरीर पे इंडोक्रिन ग्लैंड के साथ में इसे जोड़ के देखा जाता है। इसके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो मैंने पहले बनाया है, आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कृपया उसे भी देखने की कृपा करें। अभी बात यह है कि आपके सारे चक्र जो है वो ब्लॉक है और मूल आधार चक्र एक्टिव है। बेसिकली सबसे पहले ये समझ लेते हैं छोटे में कि चक्र क्या है। हमारे अंदर शरीर को चलने के लिए, यानी सारे शरीर को चलने के लिए, सातों सतहों को चलने के लिए हमें लाइफ एनर्जी यानी जीवन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये जो लाइफ एनर्जी है ये हमारी बॉडी में दौड़ती है, और ये जो चक्र हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, त्रिकोण की तरह सेक्शन पॉइंट्स हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही ब्लॉकेज होने का खतरा होता है। ट्रैफिक में तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही ब्लॉकेज होता है, ब्लॉक होता है। तो ये बात सही है कि चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन बात ये है कि यदि किसी व्यक्ति का सात में से छह चक्र विकृत हो जाता है या अवरुद्ध हो जाता है, तो वो व्यक्ति का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और कारक रूप से वह बीमार या बहुत बीमार, या हो सकता है वह जीवित ही ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि चक्र नहीं चलेंगे तो जीवन ऊर्जा नहीं मूव करेगी, ऊर्जा मूव नहीं करेगी, तो फिर वो इंसान जिएगा कैसे? तो ये तो पहला हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का ये पहला आंसर तो ये हो गया।
दूसरा ये है कि मैं ऐसा मानता हूं कि पूरी तरह से कोई भी चक्र निष्क्रिय नहीं होती, ये निष्क्रिय तभी होंगे जब इंसान की मृत्यु होती है। परत दर परत जो है वो चक्र निष्क्रिय होते जाएंगे, परत दर परत शरीर शरीर छोड़ते जाएंगे और चक्र निष्क्रिय। जैसा कि आपने किसी मृतक के शरीर को देखा होगा, वो धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ता है और धीरे धीरे उसके शरीर में अकड़न आने लगती है। तो ये सारा चीज़ जो है 3-4 घंटे 5 घंटे चलता है, जिसको साइंटिफिक में भी काफ़ी कुछ इस पर रिसर्च हुआ है। जो भी हो, तो ये जो चक्रास ब्लॉक्ड हो जा रहे हैं, यदि ध्यान करते से, पहले तो ध्यान करने से कभी भी चक्रास ब्लॉक नहीं होंगे, ये मेरा अपना विचार है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि चक्रास कभी भी ध्यान करने से ब्लॉक नहीं होते हैं। मूलधारा में बेसिकली ध्यान करने से सारे चक्र सही ढंग से ही चलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको इस तरह का एहसास हो रहा है कि बाकी चक्रों में अवरुद्ध या बिखरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी घर में रहते हैं, महीनों उस घर को छोड़ के चले गए और आपने 2-3 महीना उस घर की देखरेख नहीं की, तो घर के अंदर में धूल आ जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, हो सकता है बिजली भी कट जाए, हो सकता है केबल भी कट जाए। आने के बाद में बहुत कुछ करना पड़ता, तब वो घर रहने के लिए रेडी होता है। उसी तरह हमारी जो जीवन शैली है या जो हम खाते पीते हैं, सोचते हैं, उसे चक्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इन चक्रों के प्रभाव को, इन चक्रों पर इस तरह से ये चक्र निष्क्रिय की अवस्था में पहुंच जाती है। कभी कभी ये शिथिल पड़ जाती है, स्लो जाती है, और एज के साथ साथ तो चक्र स्लो होते ही हैं। ये तो नियम ही है, नियम के, ये तो नेचर का नियम है। तो चक्रों को सही ढंग से री एनर्जाइज करने के लिए, री इन्विग्रेट करने के लिए, उसे वापस से सक्रिय बनाने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जो कि योग सूत्रों में लिखा हुआ है। और मैंने जो शक्ति योग प्राणायाम के बारे में पिछले कई वीडियो में बताया है, शक्ति ओम करने से और उसके पहले त्रिबंध महाप्राणायाम करने से, त्रिबंध महाप्राणायाम, भस्त्रिका महाप्राणायाम और उसके बाद शक्ति ओम, ये करने से आपके चैनल्स यानी एनर्जी चैनल्स जितने भी हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट जिन्हें हम चक्र कहते हैं, ये सारे चक्र खुले हुए मिलेंगे आपको। एनर्जी फ्लो आपको बढ़ावा मिलेगा और शरीर और मन की स्थिति भी काफ़ी स्थिर मिलेगी। तो यदि कोई ऐसे सीकर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं या ध्यान लगाने वाले हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी चक्र जो है वो थोड़ी निष्क्रिय हो गई है या थोड़ी कम शिथिल पड़ गई है, उन्हें तो ओम चैंटिंग के माध्यम से यानी साउंड मेडिटेशन के माध्यम से भी वे अपने चक्रों को एक्टिव कर सकते हैं। और शक्ति ओम जो विशेष दीक्षा लेने के बाद ही करनी चाहिए, यानी प्रैक्टिस के बाद ही करनी चाहिए, तो वो दीक्षा लेने के बाद वो भी कर सकते हैं। वैसा शिविर का भी मैं आयोजन करूंगा जिसमें शक्ति ओम की दीक्षा डायरेक्ट दे पाऊं, लेकिन फिलहाल केवल ओम चैंटिंग करने से, ओम मंत्र से ही बहुत कुछ काम हो सकता है। त्रिबंध प्राणायाम मैंने लाइव प्रैक्टिस करके दिखाया है वीडियो में, आप कृपया उसे देखें और यदि शरीर परमिट करे तो ही त्रिबंध प्राणायाम करें, नहीं तो ना करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो बहुत आराम से किए जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस एपिसोड में आपको इस सवाल का, इस प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाया हूँ। आगे भी इसी तरह नए प्रश्नों के साथ और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए शक्ति ओम, थैंक यू सो मच।